अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। खारघर से 750 प्रवासी मजदूर झारखंड के लिए रवाना, 21 बसों से पहुंचे पनवेल रेलवे स्टेशन, पुलिस का जताया आभार। लॉकडाउन में कोरोना संक्रमण और आर्थिक तंगी की त्रासदी झेल रहे नवम्बई के 750 मजदूर खारघर से अपने मुलुक के लिए रवाना हो गए। मुलुक जाने वाले अधिकांश मजदूर झारखंड के विभिन्न जिलों के साथ ही पूर्वोत्तर भारत के रहने वाले हैं। पुलिस इंस्पेक्टर प्रदीप तीदार ने बताया कि प्रवासी मजदूरों को उनको घर भेजने के लिए कुल 21 NMMT बसों का इंतजाम किया गया था, जिसके जरिए वे पनवेल रेलवे स्टेशन तक पहुंचाए गए हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण उन्हें परेशानी हो रही थी, जिसके चलते उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए विदा किया गया है। हमने यहाँ पर बड़े पैमाने पर अरेंजमेंट किया है। यहाँ से आज खारघर से झारखंड के लिए 750 लोग रवाना हो रहे हैं। इन सभी के लिए हमने बस की व्यवस्था की है। हर बस में 30 पैसेंजर जो है सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए बिठाया गया है और सभी का लिस्ट बना के ये पनवेल रेलवे स्टेशन से पकड़ रहे हैं और ये झारखंड जा रहे हैं। वो लिस्ट अभी रेलवे स्टेशन पे हमारे जो कांस्टेबल है वो पहुंचा रहे हैं और सभी की हम व्यवस्था वहां पर कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमने पूरे नए मुंबई में सबसे ज़्यादा लोग अगर कहीं से गए होंगे तो खारघर से गए हैं। हमने जो लोग भेजे हैं उनमें काफ़ी लोगों की सहायता मिली है। काफ़ी जो संगठन है उनकी हमें मदद मिली है। स्वच्छ खारघर फोरम का हमको सहयोग मिला है, युवा संगठन का हमको सहयोग मिला है। ऐसे सारे लोग मिलकर हमने ये प्रयास किया है कि जितने लोग जाना चाहते हैं गाँव वो चले जाए। बता दें कि खारघर के हीरानंदानी स्टेट के पास जो मजदूर इकट्ठा हुए हैं उनमें झारखंड के साथ ही यूपी और बिहार के भी प्रवासी श्रमिक शामिल थे। यहाँ मजदूरों को पानी की बोतलें एवं खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने वाले भाजपा के युवा नेता अमर उपाध्याय ने बताया कि अभी झारखंड जाने वाले लोगों को ही बुलाया गया है, जल्द ही यूपी के लिए लोगों को भेजने का इंतजाम होगा। वहीं 50 दिनों से लॉकडाउन की मुसीबत से मुक्त हुए मजदूरों के चेहरों पर भी संतुष्टि और मुस्कान के भाव नजर आए। अपने बच्चों के साथ विदा होते हुए उन्होंने अच्छे इंतजामों के लिए खारघर पुलिस का भी आभार जताया। व्यवस्था बहुत अच्छी है और हमारे खारघर के सभी जो माइग्रेंट्स हैं बहुत खुश हैं। आज वो अपने अपने गांव जा रहे हैं और सभी लोगों को देखिए यहाँ पे तरह तरह के NGO आकर इनको जूस पानी शरबत जितना हो सके उतना सहकार्य कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा नियम पालन किया जा रहा है यहाँ पर और मैं हमारे खारघर पुलिस की जितनी चाहूँ उतनी प्रशंसा कम है, क्योंकि उन्होंने जो यहाँ पर जिस तरीके की व्यवस्था की है वो व्यवस्था कहीं ना कहीं बहुत ही सज है। और आप देख सकते हो पूरे इतनी गर्मी में पूरी खारघर पुलिस लगी हुई है सेवा करने के लिए और हमारे साथ हमारी युवा टीम जो है जुड़ी हुई है। हम हर एक बस में जो हमारे पुलिस के साथ साथ एक वॉलंटियर भी दे रहे हैं ताकि उनको कोई भी दिक्कत रास्ते में आए पनवेल पहुंचे तो उनको सॉल्व करें। बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पे है। हम लोग से भी जितना हो रहा है हम लोग उतना योगदान दे रहे हैं, खारघर पुलिस का सहयोग कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि जो लोग अपने गाँव जाएंगे, इस लॉकडाउन दरमियान में बहुत दिक्कत थी लेकिन आज कहीं ना कहीं वो अपने घर पहुंच पाएंगे ठीक से और अपना सुकून से जितना भी लॉकडाउन का पीरियड है वो सही ढंग से वहाँ निकालेंगे। झारखंड जा रहे हो जी सर, कैसा लग रहा है अभी इतने दिन? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिल रहा है। सही घर पहुँच गया हम लोग, दुआ कीजिए आप लोग, हम लोग घर पहुँच गया। अच्छा जी सर, कितनी मुश्किल रही है? बहुत मुश्किल है हम लोग सर। कल भी ट्रेन आए तो चले गए, मतलब कल हुआ तो नहीं, आज भी है तो आज अच्छा लग रहा है हम लोग को कि आज हम लोग जा रहे हैं। जो पुलिस ने व्यवस्था की हो आपको कैसा? हाँ बहुत अच्छा लगा सर, पुलिस का समझिए बहुत अच्छा, उसको बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग, दिल से सलूट करते हैं। खास करके पुलिस प्रशासन को सलूट करते हैं, उसको बहुत मेहनत किए हैं वो लोग हम लोग को ले आने में। और भी है यूपी है और भी बिहार है, इधर उधर के भी जो भी है, बहुत अच्छे से किए हैं सर पुलिस प्रशासन, बहुत अच्छे, उसके लिए सलूट। क्या कहना चाहोगे आप? सर मैं सबसे पहले जितने महाराष्ट्र गए सबको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, चाहे वो डॉक्टर हो, पुलिस हो, कोई भी हो, जिसने हम लोग को, हम तो बस 20 साल से मुंबई में हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ और अभी भी प्रॉब्लम नहीं है, बट ये बीमारी की वजह से सबको थोड़ा 19-20 हो रहा है। इसमें हमारे प्रशासन भी बहुत सहयोग दे रहे हैं, घर जाने के लिए हर तरीके से सहयोग दे रहे हैं। कल नहीं हो पाई थी, आज उनको वो खुद फोन करके हम लोग बुलाए, आप लोग आइए, सब कुछ हो गया है, वो भेज रहे। दोबारा लौटेंगे? हाँ सर लौटेंगे, जरूर लौटेंगे। आप बताओ, हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं, हम लोग प्रशासन बोल रहे हैं, पूरा सुन रहे हैं, रात भर हम लोग यहीं पे रोड पे सोए हैं सर, भूखा प्यासा बिल्कुल। बोलना यही है, आपसे भी निवेदन है, आप सही सलामत घर पहुंचा दिए, इससे अच्छा हम लोग कुछ नहीं चाहिए, जितने भी है
सब अच्छा हो जाएगा। हम लोग सर यहाँ जब से लॉकडाउन हुआ जब से फंसे हुए हैं, काम धंधा तो बिल्कुल बंद है, कुछ भी नहीं, खाने पीने की भी बहुत सारा तकलीफ है। अभी गांव जाने की इच्छा है, ऐसे भेज रहे हैं तो बहुत खुशी हुआ, आज हमारा भाई लोग गया, हम भी चला जाए, सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।